बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से, जो कि पेपर 3 है, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो इस पेपर से बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं उनके इस सब्जेक्ट की सभी यूनिट्स को मैंने कंप्लीट करा दिया था इसके प्रीवियस वीडियो में। चूँकि टाइम का अभाव था तो इसीलिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी यूनिट्स को कंप्लीट करा देंगे टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के सब्जेक्ट से। यहाँ पर आपको 4 से 5 पार्ट में इन सभी यूनिट्स के कम्प्लीट वीडियो मिलेंगे। साथ ही अगर टाइम बचता है तो टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन से जो सुपर फास्ट रिवीजन का वीडियो भी आता है वो भी आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूनिट फर्स्ट में हम पूरी तरह से यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट करा देंगे। यूनिट फर्स्ट के लगभग 60+ क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सकें। तो यहाँ पर हम मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स ऑन द नेक ऑफ द पिक्चर ट्यूब और ट्यूब्स विच पुल द इलेक्ट्रॉन बीम फ्रॉम साइड टू साइड एंड अप एंड डाउन आर कॉल्ड। तो क्या कहेंगे इसे? तो हम इसे बी यानी योग कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, विच वन इज़ द फर्स्ट सर्च इंजन इन इंटरनेट, सॉरी इंजन है, ठीक है, इंजन इन इंटरनेट। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है आंसर नंबर बी, RZ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, नंबर ऑफ बिट यूज्ड बाय द IPv6 एड्रेस डेस्कटॉप। तो यहाँ पर 3 की बात करें तो 3 का करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा 3 का, 128 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देख लेते हैं, विच वन इज द फर्स्ट वेब ब्राउजर इन्वेंटेड इन 1990। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, नेक्सस। नेक्स्ट देख लेते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब्स अ सिंगल मेजर स्किल फॉर द। तो यहाँ पर 5 की बात करें तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, लेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, CAI स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पर CAI को पूछा है तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, विच ऑफ दी फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट प्रोग्राम्स लाइक एप्लेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो है सी, जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। 8 पूछा है, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज नोन एस। तो यहाँ पर 8 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कीपर वायरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, विच वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूछा है, करेक्ट आंसर प्रोलोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है, फायरवॉल इन कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, आ ड्यूअल लायर ब्लू रे डिस्क कैन स्टोर डाटा अप टू। तो हम यहाँ पर कितना स्टोर कर सकते हैं, तो 50 GB तक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है, लाइन एक्सेस एंड अवॉइडेंस ऑफ कोलिजन आर द मेन फंक्शंस ऑफ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, इन द हाइपरमीडिया डाटाबेस इंफॉर्मेशन बिट्स आर स्टोर्ड इन द, आगे दिया इन द फॉर्म ऑफ। तो यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, नोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है, कम्युनिकेशंस बैंड विद
दैट हैज़ द हाइएस्ट कैपेसिटी एंड इज यूज बाय माइक्रोवेव केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स लाइन्स इज नोन एज। तो यहाँ पर 15 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ब्रॉडबैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है, एन इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड दैट हैज़ अ शॉर्ट टेक्स्ट और ग्राफिकल एडवर्टाइजिंग मैसेज इस रिफ्रेड टू एस। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बी, बैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है, यूजिंग वेबसाइट टू पोर आउट वंस ग्रीवेंसेस इस कॉल्ड। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है वो 17 का डी हो जाएगा, साइबर वेंटिंग। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, इन वेब सर्च फाइंडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स विथ वेरी लिटिल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इस टर्म्ड। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पुअर रिकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्ट इंटेलिजेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो यहाँ पर अगर 19 की बात करें तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वैल्यू एडेड नेटवर्क्स। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, यूज ऑफ एन ऑर्डिनरी टेलीफोन एज एन इंटरनेट एप्लीकेशन इज कॉल्ड। तो यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वॉइस लाइन, यानी बी। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, 21 पूछा है, वीडियो ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट दैट लुक्स लाइक डिलाइड लाइव कास्टिंग इज कॉल्ड। तो यहाँ पर 21 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रियल टाइम वीडियो, यानी डिलेड लाइव कास्टिंग इज कॉल्ड रियल टाइम वीडियो। ठीक है, 22 देख लेते हैं, लैन स्टैंड फॉर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ, 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट फॉर्मेट ऑफ URL ऑफ ईमेल। ठीक है, तो यहाँ पर 23 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, www@mail.com। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 24, क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है, विच पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड मेक्स डिसीजंस। तो यहाँ पर 24 की बात करें तो 24 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देख लेते हैं, 25 दिया है, DPI स्टैंड फॉर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, डॉट्स पर इंच। क्वेश्चन नंबर 26 है, द प्रोसेस ऑफ लाइंग आउट अ डॉक्यूमेंट विथ टेक्स्ट ग्राफिक्स हेडलाइंस एंड फोटोग्राफ्स इन्वॉल्व्ड इन। तो यहाँ पर इस इन्वॉल्व्ड इन, तो यहाँ पर 26 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है, ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर लाइन इज नोन एज। तो यहाँ पर 27 की बात करें तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 28 है, www रिप्रेजेंट्स, तो ये किसे रिप्रेजेंट करता है, तो 28 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पूछा है, द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर विच कीप्स पेरिफेरल्स अंडर इट्स कंट्रोल इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहेंगे, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 29 का सी हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है, डाटा कैन बी सेव्ड ऑन बैकिंग स्टोरेज मीडियम नोन एस। तो यहाँ पर 30 की बात करें तो यहाँ पर 30 का करेक्ट आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 देख लेते हैं, रैम मीन्स, तो यहाँ पर रैम मीन्स रैंडम एसेस मेमोरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32, क्वेश्चन नंबर 32 पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। तो यहाँ पर 32 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यूनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पूछा है, अ कीबोर्ड हैज एटलीस्ट,
तो यहाँ पर कितने होते हैं कीबोर्ड में? तो यहाँ पर अगर हम बात करें कीबोर्ड की, तो आपकी 110 से 115 तक देखने को मिलती हैं, क्योंकि ऑप्शन में आपका 101 के बाद 201 यानी 201 कीज दिखा रहा है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आप यहाँ पर ए लगा लीजिएगा, 101 कीज, ठीक है। 110 से 115 होती हैं, चूँकि आपके ऑप्शन में नहीं दी हैं, तो आप 33 का ए लगा लीजिएगा। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। हैज़ ये तो बता दिया, ठीक है। 34 देख लेते हैं, एन ईमेल एड्रेस इज कंपोज्ड ऑफ, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, टू पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पूछा है, कोरल ड्रॉ इज अ पॉपुलर, तो यहाँ पर ये किससे पॉपुलर हुआ? करेक्ट आंसर इसका फिर देख
क्वेश्चन नंबर 52 पूछा है, आईसीटी स्टैंड फॉर, तो यहाँ पर आईसीटी स्टैंड फॉर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसे आप हिंदी में कहते हैं, आपसे तो इंग्लिश में ही पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएशन डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर इसकी बात करें तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 53 का डी हो जाएगा। डी दिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिफर्स टू द यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर स्टोरेज रिट्रीवल प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ मैनी काइंड, तो यहाँ पर इस तरह से करेक्ट आंसर जो था वो 53 का डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 दिया है, यहाँ पर 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है वो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर 54 की बात करें तो करेक्ट आंसर जो है इनकरेक्ट आंसर ए रहेगा, कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग ओनली डिजिटल सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 फिर पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा इसमें से करेक्ट है आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑल ऑफ द अबव हो जाएंगे, यानी ए बी सी ये सभी करेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, कौन सा इसमें से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है तो आपको बताना है। तो 56 की बात करें तो यहाँ पर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, वायरस इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 57 क्वेश्चन नंबर 57 पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है। तो 57 का करेक्ट आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मॉडेम कन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल एंड फिर दिया है वाइस वर्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ अ कंप्यूटर, तो यहाँ पर 58 का जो करेक्ट आंसर है डी हो जाएगा, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर रिट्राइव एंड प्रोसेस बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव डाटा क्विकली एंड एक्यूरेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 59 पूछा है, सी डी रोम स्टैंड्स फॉर, तो यहाँ पर सी डी रोम स्टैंड फॉर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये फुल फॉर्म के रूप में पूछ सकता है, तो यहाँ पर पूछा है इसने। 60 देख लेते हैं, 60 पूछा है, WISIWYG इसको डिस्क्राइब द डिस्प्ले ऑफ अ डॉक्यूमेंट ऑन स्क्रीन एज इट विल एक्चुअली प्रिंट, तो कैसे इसको प्रिंट करेंगे, करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, वॉट यू सी इज वॉट यू गेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 दिया है, यहाँ पर 61 पूछा है, अ टीचर इज अ क्लासरूम हैज इमीडिएट कंट्रोल ओवर, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, द सेल्फ सेलेक्टेड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड द मैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 देख लेते हैं, 62 पूछा है, वॉट स्पेसिफिकली, ठीक है, वॉट स्पेसिफिकली ई लर्निंग गुड फॉर, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मैनेजिंग इंटरैक्टिव सेल्फ स्टडी एंड ट्यूटोरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 दिया है, लिमिटेशन ऑफ ई लर्निंग, तो यहाँ पर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्वॉल्व्स बेसिक इक्विपमेंट एंड मिनिमम लेवल ऑफ कंप्यूटर नॉलेज इन ऑर्डर टू परफॉर्म द टास्क रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 पूछा है, ई लर्निंग इज सेल्फ डायरेक्टेड एंड सेल्फ पेस्ड मीन्स, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 64 का ए हो जाएगा, ए दिया है, लर्नर्स कंट्रोल द अमाउंट ऑफ टाइम दे स्पेंड ऑन एनी प्रैक्टिकल टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 पूछा है, ई लर्निंग इज फ्लेक्सिबल इट मीन्स, तो यहाँ पर
इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। लर्निंग कैन टास्क प्लेस एनी टाइम एंड एनी वेयर एज लॉन्ग एज द नेसेसरी इक्विपमेंट इज एसेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर, कौन सी नहीं है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पर बी जो दिया है वो करेक्टरिस्टिक्स नहीं है कंप्यूटर की। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रिकल मशीन, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन होना चाहिए था, तो इसके करेक्टरिस्टिक में शामिल हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 दिया है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड्स करेंगे, तो ऑल ऑफ द अबव, यानी वन लाइन लर्निंग, वेब बेस्ड लर्निंग, लर्निंग थ्रू द यूज़ ऑफ एजुसेट। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हो गई। आज के इस वीडियो में हमारा यूनिट जो फर्स्ट था वो कंप्लीट हो गया है। पार्ट टू में यूनिट टू जो है दो पार्ट में डिवाइड होकर कंप्लीट होगा, फिर 3 और 4। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।